अब तक यही पता था कि अगर उद्धार है तो परमेश्वर है। रिपीट करता हूं, अब तक क्या पता था कि जिस जिसका उद्धार हो गया, जिस जिसका छुटकारा हो गया, दूसरे शब्दों में जिसको यीशु मिल गया उसका उद्धार हो गया, और जिसका उद्धार हो गया उसके पास परमेश्वर है। लेकिन आज आपको एक सत्य समझना होगा और मैं उसको समझाऊंगा। तो वचन पे सीधा चलते हैं, इसका वचन है दूसरा योना पहला अध्याय वचन 9। तो एक एक करके समझेंगे और बातों को जानेंगे। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, जितने मसीह समाज के लोग हैं उन तक पहुंचाइए, मसीह मंथन के जितने मेंबर्स, साथ ही साथ मेरी जो मिनिस्ट्री है वहां से। आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज का ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि कई हफ्तों से मैं बोलते आ रहा हूं उसी में ये भी एक है, ठीक है ना। तो दूसरा योना पहला अध्याय वचन 9, इंग्लिश में भी बोल देते हैं, सेकंड जॉन चैप्टर 1:9, देखते क्या लिखा है। लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है, तो ब्लैक में किया है कोई, अब आप समझ गए होंगे। तो लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, अब जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा है उसके पास परमेश्वर नहीं। दूसरा, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। वाओ, तो वापस आते हैं पीछे और आपको अब समझ आ जाएगी कि मैंने यहां पे क्यों लिखा कि आज बहुत बड़े सत्य से आपका जो है पर्दा उठने वाला है। वो सत्य क्या है? जी हां दोस्तों, वो सत्य क्या है अभी बताया था कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि कोई वर्सेस आज्ञा, भ्रम की आत्मा, सत्य की आत्मा। तो इसका मतलब है कि आपको और मुझे अभी तक ये पता था कि जिसका उद्धार हो गया उसके पास परमेश्वर है। लेकिन आपको मैंने अभी कहा कि आपको यह सत्य समझना होगा कि वचन कहता है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जिसके पास परमेश्वर की शिक्षा है या उसमें स्थिर रहता है टिल दी एंड, उसकी आखिरी सांस तक, तो उसके पास पिता भी है और उसके पास में पुत्र भी है। पुत्र क्यों? उसका सेल्वेशन है, उसका उद्धार हो चुका है। तो सत्य को पर्दा उठाने का सबसे बड़ी बात है ये। तो शिक्षा सबसे प्रथम आ गई, सेल्वेशन आपको दरवाजे तक लाता है, सेल्वेशन आपको परमेश्वर से मिलाता है, सेल्वेशन आपको जो है उद्धार का रास्ता दिखाता है। लेकिन उसके बाद उस सेल्वेशन को आखिरी सांस तक अगर आपको टिकाए रखना है तो वहां है आज्ञा, यीशु की शिक्षा, यीशु की बातों पर बने रहना। तो वापस कहता हूं कि आपको यह सत्य जानना होगा, अभी तक आपने जो सुना परमेश्वर के वचन के मुताबिक, अब इसके बाद जो मैं चित्र रख रहा हूं यह वाला, जानते हो क्या लिखा है? जिसके पास घरी शिक्षा है उसी के पास परमेश्वर रहता है। तो सेल्वेशन बहुत जरूरी है, नो डाउट, लेकिन क्या फायदा सेल्वेशन पाकर आप शिक्षा में नहीं बने हैं? तो जिसके चलते लिखा है कांग्या, जिसके चलते लिखा है आपके पास परमेश्वर नहीं है। तो ऐसा सेल्वेशन आपका किस काम का? क्योंकि फेसबुक पे जब मैंने पोस्ट डाला था कि आपका उद्धार तक हो सकते हैं अगर आप सही शिक्षा में नहीं है, तो मुंबई के जितने भी विश्वासी सेवक, वैसे नागपुर, पुणे, आपका पंजाब, गुजरात, कर्नाटका, भारत के 29 राज्य और विश्व का हर एक कोना, उन सभी को इस वचन के मुताबिक, और आगे तो बहुत रखूंगा, इस वचन के मुताबिक लेखक क्या कह रहा है? कहता है कि जिसके पास यीशु की शिक्षा नहीं है उसके पास परमेश्वर नहीं है। और यूहन्ना का टोटल कॉन्सेप्ट और कॉन्टेक्स्ट एक ही है, परखो कौन सी आत्मा टीचिंग दे रही है, परखो कौन सी आत्मा किसकी तरफ से, परमेश्वर की ओर से या फिर किसी और से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं यह बहुत बड़ा सत्य है जिससे आज पर्दा उठने जा रहा है, मैंने इसलिए रखा है इसको।
तो जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं 1250, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आपने अभी तक मेरा बहुत सारा प्रचार सुना है, लेकिन उन सभी में अगर आपने इस सत्य को नहीं जाना और इस सत्य से पर्दा नहीं उठा, धोखा खाते जाओगे, खाते जाओगे, खाते जाओगे, बिगड़ते जाओगे, और उसके चलते होगा क्या पता है, आप पूरी दुनिया को कहोगे कि मैं मसीह का हूं, लेकिन मसीह खुद कहेगा कि जिसके पास में मेरी शिक्षा नहीं है, जिसके पास में मेरी शिक्षा नहीं है, उसमें मैं हूं ही नहीं। तो जिसके चलते ये पोस्टर मैंने रखा है आपके लिए कि जिसके पास में खरी शिक्षा है उसी के साथ परमेश्वर रहता है। आप बिशप हो सकते हैं, अपोस्टल हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, चर्च के साधारण मेंबर हो सकते हैं, वर्शिपर हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, मैं सब की बात कर रहा हूं, मैं खुद को भी इसमें गिनती कर रहा हूं। तो वापस कहता हूं कि जिसके पास में शिक्षा है, सेल्वेशन हो गया पास्टर डैनियल, मेरा उद्धार हो गया, मेरा बपतिस्मा हो गया, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? ऑफकोर्स जाओगे, लेकिन आपको कोई बिगाड़ रहा है, आपको कोई बिगाड़ सकता है, और वो क्या है, एक व्यक्ति जिसका नाम है कोई। ये जो शब्द है ना कोई, यह आज मार्केट में घूम रहा है खुले सांड की तरह, जिसके ऊपर मैं बहुत बार बात कर चुका हूं और लिखा है आगे बढ़ गया, रख रहा हूं, लिखा है वो आगे बढ़ गया। ये देखो, ये जो कोई है ना, ये आगे बढ़ गया है। यीशु नहीं चाहिए, आगे बढ़ गया। सही शिक्षा नहीं चाहिए, आगे बढ़ गया। पवित्र आत्मा की बातें नहीं चाहिए, आगे बढ़ गया। और ये जो कोई है ना, ये शिक्षाओं में बिगाड़ रहा है, ये शिक्षाओं को बिगाड़ रहा है। तो जिसके चलते लिखा है कि इसके पास परमेश्वर नहीं है। जब इस कोई के पास परमेश्वर नहीं है, तो सोच के देखिए कि जितने इस कोई को फॉलो करते हैं या उसके लीडर में, लीडरशिप में फॉलो कर रहे हैं, सोच के देखिए फिर उनका क्या। जब इस लीडर जिसका नाम है कोई, उसके पास परमेश्वर नहीं है, तो उसके जो फॉलोवर हैं उसके पास कहां से होगा। मैं वापस कहता हूं कि आप जब मुझे सुनते हैं, आप जब मेरी बातों को जब आप सुनते हैं और कहते हैं कि ओके, हमने पास्टर डैनियल को आज का वीडियो देखा, हम उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति किसको फॉलो करता है? ये व्यक्ति शिक्षा को फॉलो करता है, और इस व्यक्ति की शिक्षा को फॉलो करता है जिसके लिए लिखा है कि जिसके पास खरी शिक्षा है उसी के साथ परमेश्वर रहता है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, मैं किसी संस्था को फॉलो नहीं करता, मैं इसको आज थोड़ा जोर से बोलूंगा, मैं किसी संस्था को फॉलो नहीं करता, मैं किसी सीनियर को फॉलो नहीं करता, मैं किसी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री को फॉलो नहीं करता, मैं खुद को क्रिश्चियन का लीडर नहीं बोलता, मैं प्रीस्ट नहीं हूं, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं किसी प्रकार का कोई क्रिश्चियन डिनोमिनेशन का व्यक्ति नहीं हूं, मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु का प्रचारक हूं, मैं यीशु के राज्य की बातें आपके बीच में रखता हूं, मैं वो हूं। और जिसके चलते किसने क्या कहा 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, वो कहीं का भी हो, नाम ले सकता था लेकिन नहीं ले रहा हूं। मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं सिर्फ यीशु को रिप्रेजेंट करता हूं और यीशु की बातों को प्रेजेंट करता हूं, दैट्स इट। उसने ऐसा कहा इसलिए मैं चल रहा हूं, ना ना ना, इसको कहते हैं फुलिशनेस और इसको कहते हैं मूर्खता। मुझे क्या करना है किसी और को रखकर? मैं रख सकता था ना अलाना फलाना को रख सकता था, लेकिन मुझे नहीं रखना है, मुझे यीशु को रखना है और यीशु की बातों को रखना है। तो डंके की चोट पे बोलता हूं कि जितने भी 1400 लोग अभी देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति को बता दूं कि इस प्लैनेट पे किसी को फॉलो नहीं करना, आपका एक ही गुरु है, आपका एक ही पिता है, और वह है परमेश्वर यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, एलोहिम ट्रायन गॉड। अब देखिए, जीसस की जिसके पास में शिक्षाएं हैं, यीशु की जिसके पास में खरी शिक्षाएं हैं, उसी के पास में परमेश्वर है। यह वचन देखिए क्या लिखा है, 1 योहन्ना 2:4 लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, किसको? परमेश्वर को। मेरा उद्धार हो गया, मैं उसको जानता हूं, मैं तो 10 साल से क्रिश्चियन हूं, मैं तो 20 साल से क्रिश्चियन हूं, अरे मेरा तो इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट है, मेरा तो अफ्रीका वाले बड़े पास्टर के साथ, भारत के बड़े पास्टर के साथ मेरा कॉन्टेक्ट है, मैं तो उसको जान गया हूं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है? कहता है कि उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, देखो बाइबल क्या कहती है, नहीं मानता, वह झूठा है, वह झूठा है, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है, और लिखा है उसमें सत्य नहीं है। सत्य मतलब उसमें परमेश्वर नहीं है, क्योंकि सत्य परमेश्वर है। अब आप सोच के देखिए कि टीचिंग, वो भी खरी शिक्षा सेल्वेशन के बाद, कितनी इंपॉर्टेंट है,
एक विश्वासी के लिए मसीह में बने रहना। मैं ये बता रहा हूं, इससे लिखा हूं कि सत्य पे से आज पर्दा हटा रहा हूं। वाह, अभी तक आपने ये समझा? अब इसको देखो, यीशु की बातें जो यीशु के मुख से निकली, योहन्ना की किताब उसका 8:31 में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, क्या कहा देखिए, लिखा है, यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ये जो शब्द है ना, जिसको मैंने रेड से स्पॉट किया है, लिखा है बने रहोगे। ऐसा क्यों? यीशु ये कहता था, कह सकता था ना, हो आपने तो मुझे विश्वास कर लिया, काफी है। नहीं, यीशु कहता है अगर मेरे चेले बनना है मेरी बातों में बने रहो। मैं पूरे दुनिया के ईसाइयों को आज एक मैसेज देना चाहता हूं कि सेल्वेशन पाना काफी नहीं है, सेल्वेशन के बाद यीशु की मर्जी पे चलना, यीशु की बातों पे चलना, यीशु के इन वचनों को पालन करना, तब आपका उद्धार टिका हुआ रहेगा। नहीं तो आप बहुत बड़ी भूल में, और मुझे दुख है इस बात का कि अच्छे अच्छे लीडर हिंदुस्तान से भी अच्छे अच्छे लीडर भटक गए और उनके जितने फॉलो करते वो भी भटक गए। सच कह रहा हूं, आगे रखूंगा कुछ बातें। नाउ यीशु की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, योहन्ना की किताब उसका 8:29 में वो क्या कहते, देखो कहता है, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। वाह वंडरफुल, ऐसा क्यों कहा मैं बता रहा हूं, लिखता है मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उसका जवाब क्यों? क्योंकि मैं, यानी यीशु, यीशु कहता है क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। माय गुडनेस, आपने अभी सुना मैंने क्या कहा, ये देख लीजिए, यीशु कहता है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ रहता है। क्यों? मैं उसका बेटा हूं इसलिए नहीं, मैंने कुछ अच्छा काम किया इसलिए नहीं, वो कहता है क्योंकि मैं उसको प्रसन्न करता हूं इसीलिए वो मेरे साथ रहता है। अब मुझे बताए इससे क्या सीख सकते हैं, मेरा उद्धार हो गया ऑफकोर्स, लेकिन मैं वचन में नहीं चल रहा हूं, मैं उसकी बातों पर नहीं चल रहा हूं, मैं उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा हूं, तो यीशु कहता है देखो मेरे साथ में मेरा पिता। क्यों? क्योंकि मैं उसको खुश करता हूं। कैसे? उसकी बातों को सुनकर। अब इसको देखिएगा, योहन्ना 17:3, आपने कभी ध्यान दिया होगा। अब आप लोग, कुछ लोग सोचेंगे कि डैनियल भाई आपने शिक्षा को, आज्ञा पालन को सेल्वेशन से क्यों जोड़ दिया? मैंने नहीं जोड़ा सर, यीशु ने जोड़ा। ये देखो क्या लिखा है, लिखा है अनंत जीवन क्या है, यह है, क्या है देखिए, लिखा है कि वे तुझे अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। अनंत काल का जीवन क्या है कि तुझ सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे पिता ने भेजा है। क्या है? लिखा है जाने, इंग्लिश में लिखा है किंग जेम बाइबल, जिसको मैं हमेशा रेफर करता हूं, एंड दिस इज लाइफ इटर्नल, अनंत काल का जीवन, दैट दे माइट नो दी द ओनली ट्रू गॉड एंड जीसस क्राइस्ट होम दाउ हैज सेंट। यीशु को जानो, यही तो है सच्चा अनंत काल का जीवन। मेरा बपतिस्मा हो गया काफी नहीं है, मैंने यीशु को अपने मुंह से कबूल किया काफी नहीं है, मैं चर्च अटेंडर हूं काफी नहीं है, मैं बहुत सारा ऑफरिंग देता हूं काफी नहीं है। यीशु कहता है जानो, मैं रख रहा हूं इसको वापस से, मैं रख रहा हूं इसको वापस से, यीशु कहता है जानो, तो मैं सबको पूछ रहा हूं जो अभी मुझे देख रहे हैं और उनको भी पूछ रहा हूं जो मेरे खिलाफ है, मेरी कुछ बातों से खिलाफ है, मैं उनको भी पूछूंगा अनंत काल का जीवन क्या है। यीशु को जानो, ऑफकोर्स उद्धार पाओ, ऑफकोर्स बपतिस्मा लो, ऑफकोर्स सच है, लेकिन उसकी आज्ञाओं को जानो, उसकी आज्ञाओं को जानो। तो अब यहां तक आप यह समझ गए कि यस पास्टर डैनियल, अभी तक तो यह पता चल रहा है कि सिर्फ उद्धार पाना काफी नहीं है, अगर हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चले, हम उसके वचनों पे नहीं चले, तो जो सेल्वेशन हमने पाया 5 साल 10 साल 20 साल 40 साल पहले, हम उसको खो सकते हैं।